भाई लोग गुज्जू हिस्टोरिकल मैन चैनल पर क्राइम स्टोरी दिखाने का मतलब किसी अपराधी अपराधियों को बढ़ावा देना ना है। अपुन का एक किच फंडा है, लोगों तक सही जानकारी पहुंचे। अपुन को 420 के वोल्ट का सपोर्ट देने के लिए अपने सभी भाई लोग का दिल से शुक्रिया। केम जो मजामा भाई लोग, 90 के दशक की शुरुआत हो रही, वही देश की राजनीति में काफी उथल पाथल चल रही। यही वह समय था जब यूपी के कानपुर में बंजर पड़ी जमीन को कब्जाने का दौर भी शुरू हो गया। मुलायम सिंह यादव और काशीराम उत्तर प्रदेश की राजनीति में डंका बजा रहे थे और उनकी छत्रछाया में पिछड़े समाज के कई छोकरे लोग नेता बनकर उभरे और विधायक सांसद बने, और इन्हीं नेता लोग पर प्रदेश में बंजर जमीन को कब्जाने का आरोप भी लगा। अब के इलाके में ब्राह्मणों की आबादी बहुत ही, फिर भी उनकी जमीनें खिसक रह ली। अब जरूरत थी एक एड़े की, काई को तो सुनो, कुछ नेता लोग अपने फायदे के वास्ते पिछड़े समाज की हनक को दबाना चाहते थे। कानपुर देहात के चोबेपुर एरिया का बिकरू गांव, इसी गांव के एक लोंडे ने अपने लंगूटी यार दोस्तों के साथ मिलकर पड़ोस के गांव दिब्बा निवादा के कुछ छपरी लोगों को बिना साबुन पानी का धोपता डाला। ये छोरा था ब्राह्मण, सामने थे पिछड़े लोग। इस कांड ने चोरे का अक्के इलाके में दबदबा बना दिया। भाई लोग, इधर से शुरू हुई रावण की कहानी। बोले तो विकास दुबे, जिसे लोग अक्के एरिया में पंडित जी कहते थे, क्योंकि ये राजनीति का वह दौर था जिसमें पिछड़ों की राजनीति तेजी से बढ़ रही थी। विकास दुबे की एंट्री से ब्राह्मणों को लगा कि बस यही है अपना मसीहा। फिर क्या होना था, चोरे ने जो तांडव मचाया, जिंगुर लोग का भत्तीज गुल हो गया। रंगदारी वसूली, मारपीट, डराना धमकाना, छोरा था डेढ़ सियाना। पुलिस पकड़ कर थाने ले जाती, फिर छोड़ देती। देखते ही देखते विकास दुबे ने एक गैंग भी खड़ी कर डाली। गैंग को नाम दिया बुलेट गैंग, क्योंकि अक्की गैंग बुलेट लेकर जाती, सामने वाले के कलेजे में पित्तल की गोली ठोक डालती। मामू का एक कांड भी सुनो, जब विकास दुबे महज 17-18 साल का होएगा, अपने 4-5 बंटरों के साथ उसने अक्की बारात को लूट ली। कैसे तो सुनो, इसने अंधेरे में झाड़ियों में कई जगह जलती हुई सिगरेट खोज दिए ली, जिससे कि बस में बैठे बारातियों को लगे कि इसके और भी साथी हैं जो झाड़ियों में छिपे हैं, और इसी तरह अक्की बारात को लूट ली। 1990 में बिकरू गांव में जूना बाबा को ठोक दिया गया, यह कांड भी दुबे का ही था। फिर उसने नेता हरिकिशन श्रीवास्तव से सेटिंग कर ली। हरिकिशन का साथ मिला तो वसूली और जमीन कब्जाने का काम तेज हो गया था। 1996 में हरिकिशन श्रीवास्तव बसपा से विधानसभा का चुनाव जीते, अक्के सिटी में जुलूस निकला, जुलूस की कमान संभाली दुबे ने। जुलूस के दौरान विकास दुबे ने ललन बाजपेयी के भाई को बिना साबुन पानी का धोपता डाला, क्योंकि विरोधी दल से था। 12 अक्टूबर 2001 को विकास दुबे ने ललन बाजपेयी के ऊपर धावा बोल दिया। ललन बाजपेयी थे बीजेपी से। ललन वाजपेयी ने उस समय के राज्य मंत्री संतोष शुक्ला को फोन किया। 10-15 पंटरों ने अपुन को चारों ओर से घेर लिया है और उसके हाथ में कट्टे हैं। संतोष शुक्ला ने कहा कि अपुन आ रहेला फिकर नहीं करने का। मामा ने सोचेला कि पुलिस फोर्स को भी साथ लेकर जाएंगे, इस वास्ते पहले सिवली थाने गए। वहीं सिवली थाना पर विकास दुबे और उसके छोकरे लोग भी आ गए। थाने के अंदर दोनों के बीच तुतु मेमे हो गए। इधर विकास दुबे का खोपड़ी सटका, ढाई ढाई करती गोलियां संतोष शुक्ला के कलेजे में उतार दी। मामा का भोगाल देखो, इतना बड़ा कांड किया फिर भी पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया। 2002 में बसपा ने विकास दुबे को पार्टी से निकाल दिया। वही टाइम पे दुबे के मध्य 60 मुकदमे चल रहे हैं। 6 बार गुंडा एक्ट, 8 बार गैंगस्टर एक्ट और 6 बार क्रिमिनल एक्ट और मकोगा। इसके बावजूद जानता जो खुलेआम घूम रहे। 2000 में ताराचंद इंटर कॉलेज के प्रबंधक सिद्धेश्वर पांडे को लुड़का दिया। वहीं राम बाबू यादव को ठोक डाला। 2004 में केबल व्यापारी दिनेश दुबे को टपका दिया। साल 2018 में अपने चचेरे भाई अनुराग पर जानलेवा हमला, मगर राज्य मंत्री संतोष शुक्ला की हत्या ने विकास दुबे के अध्याय को खलास करने का एक नया इतिहास भी लिख डाला था जो विकास दुबे नहीं जानता था। वहीं अपने इलाके में विकास दुबे की इमेज रोबिनहुड की थी, वहीं उसे राजनीतिक संरक्षण मिला क्योंकि मामा चलती फिरती वोट बैंक था। बिकरू गांव के आसपास के 25 गांवों में विकास दुबे के नाम की तुत्ती बोलती थी।
सरकार चाहे किसी की भी हो, मगर इन 25 गांवों में वोट विकास दुबे के इशारे पड़ते, यानी लोकल नेता लोग इसके ही होते हैं। मगर अब जो तांडव मचेगा ना, मानो अक्के हिंदुस्तान में तहलका मचा उस दिन। साल था 2020 का, जुलाई महीना था। सीओ देवेंद्र मिश्रा के नेतृत्व में एक साथ 3 थाने की पुलिस फोर्स ने विकास दुबे के किले में धावा बोल दिया। बिकरू गांव में जैसे ही पुलिस ने एंट्री मारी की, मानो अक्का गांव काली रात की आगोश में सो गया। ये काली रात भी शायद किसी बड़ी अनहोनी का संकेत दे रही, मगर ये जाबाज जवान थे, कदम कैसे रुकते आगे बढ़ते चले गए। पुलिस की अक्की टीम जैसे ही दुबे की हवेली के सामने पहुंची की, पुलिस ने छत पर टॉर्च मारी। टॉर्च की रोशनी जैसे ही छपरी लोग तक पहुंची की, AK-47 लेके खड़े सांडों ने जो गोलियों की बौछार की, धड़ाधड़ कई राउंड फायरिंग हो गए, मानो कारतूसों के खोखे खाली हो गए। काली रात में मौत का ऐसा तांडव हुएला कि सुबह अक्का देश हैंग हो गया। एक एक पुलिस वाले की बॉडी से अनगिनत गोलियां निकाली गई, कई जवान शहीद हो गए। आ रात बेशक विकास दुबे की थी, मगर मामू को थोड़ी ना मालूम था कि सुबह जब अक्की पुलिस फोर्स आएंगी तो पतलून फाड़ के रख डालेंगी। जवानों की ज़्यादत का बदला लेने अक्के प्रदेश की पुलिस फोर्स निकल पड़ी। पूरे गांव को चारों ओर से घेर लिया गया। दुबे भागा, पीछे उसकी अक्की टोली और उसके पीछे प्रदेश की अक्की पुलिस फोर्स। एक एक छपरी को चुन चुन के बिना मसाले की भुर्जी बना डाला, बोले तो चित्तर पा डाला। 7वें दिन यानी 9 जुलाई को विकास दुबे कहीं राज्य घूमते घूमते जा पहुंचा महाकाल के दरबार में, उज्जैन। पुलिस को मुखबिरी मिली, उठा लिया रावण को। मीडिया में सूचना दी गई कि 7 बजे UPSTF दुबे को उज्जैन से कानपुर लेकर जाएंगी। इधर अक्का इंडिया दुबे का कानपुर में वेट कर रहेला कि कब साला आएगा और कब उसे सजा मिलेगी। मगर 10 जुलाई सुबह 6:10 को खबर आई कि कानपुर के 12 टोल नाके पर दुबे को ठोक दिया गया। पुलिस ने बताया कि मामू पुलिस को चूना लगाकर भागा तो ठोक डाला। तो भाई लोग एक बात अपनी खोपड़ी में चिपका देने की, गुंडा मवाली नहीं बनने का, वरना पुलिस लोग ना 9mm की गोली से गुंडे लोग के बिजवाड़े का ढिंका चीका कर डाल दिए। तो चलो भाई, इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।